गॉडेस आइसिस का जो आशीर्वाद है वो लेके करेंगे। ओके, इनके बहुत स्पिरिचुअल, बहुत पावरफुल मेडिटेशंस होते हैं, बिल्कुल बहुत पावरफुल मेडिटेशंस होते हैं विद डिफरेंट एलिमेंट्स। तो मे बी कि आई विल ट्राई टू डू हर मेडिटेशन विद ईच एलिमेंट एवरी टाइम। ओके, सो एवरीबडी अभी चले, सचिन जी रेडी? सो एवरीबडी क्लोज योर आईज, ब्रीद इन एंड ब्रीद आउट। ब्रीद इन एंड ब्रीद आउट। सेंटर योर सेल्फ, फील अ ब्यूटिफुल एनर्जी इन योर हार्ट। एज यू आर ब्रीदिंग इन एंड आउट, यू आर फीलिंग अ ब्यूटिफुल एनर्जी इन योर हार्ट। आप अपने हार्ट में एक बहुत सुंदर एनर्जी महसूस कर रहे हैं। अब वो एनर्जी को आप एक सर्कल का रूप दे दीजिए, जो सर्कल थोड़ा सा टूटा हुआ है और जिसमें से वो ब्यूटीफुल एयर जो है, जो जो अग्नि है आपके हार्ट में, जो एक पावर है वो निकल के बाहर जा रही है। और आप उसको ध्यान से देखिए और उसी में आपको सांस लेना है और सांस छोड़ना है। सो वेन एवर यू आर ब्रीदिंग इन टू दिस सर्कल ऑफ द पावर ऑफ यू, पावर ऑफ योर ओन एलिमेंट, ब्रीद इन टू दिस पावर इन योर हार्ट एंड ब्रीद आउट। तो जब आप ये कर रहे हैं, आई एम कॉलिंग गॉडेस आइसिस टू ब्लेस ऑल ऑफ अस। बी प्रेजेंट। हील ईच एंड एवरी वन एंड गिव अस योर ब्लेसिंग्स। आप अपनी आशीर्वाद दीजिए, हम सबको हील कीजिए। आप अपनी एनर्जी से सबको अट्यून कीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो जो गॉडेस आइसिस हैं वो इस समय आपके पीछे खड़ी हैं, आपको सपोर्ट देने के लिए, आपको एनर्जी देने के लिए। गॉडेस आइसिस की जो एनर्जी है उसको आप फील करेंगे एज अ सपोर्ट। एक वार्म्थ आपको फील होगी, एक हल्की सी गर्मी आपको फील होगी, आपको वाइब्रेशंस आएंगे। अब जबकि आप इस सर्कल के अंदर ब्रीद इन ब्रीद आउट कर रहे हैं, उस आपका ध्यान उसी सर्कल पे रहेगा जो थोड़ा सा टूटा हुआ है, कि उसमें से एनर्जी बाहर आ सके। अब आप देखेंगे आप एक बहुत ही सुंदर पिरामिड के अंदर हैं, बीचों बीच में पिरामिड के, उसके अंदर आप बैठे हुए हैं और आप मेडिटेट कर रहे हैं। एंड गॉडेस आइसिस उस पिरामिड के ऊपर, एक साइड में सूर्य है और एक साइड में चंद्र है, उसको बैलेंस कर रही हैं आपके लिए। पिरामिड के एक साइड में चंद्र है, एक साइड में सूर्य है। देयर इज मून वन साइड ऑफ द पिरामिड, द सन द अदर साइड ऑफ द पिरामिड। और वो दोनों हाथों से, उनके बहुत बड़े हाथ हैं जो पिरामिड से बाहर निकल के दोनों की एनर्जी बैलेंस कर रहे हैं। और जो उन दोनों सूर्य और चंद्र की एनर्जी है वो बैलेंस होके मदर आइसिस के थ्रू आपके पीनियल ग्लैंड में जा रही है, जिससे आपके लेफ्ट और राइट साइड दोनों बैलेंस हो रहे हैं।
आपकी नाड़ियां बैलेंस हो रही है, आपकी इड़ा पिंगला और सुषुम्ना नाड़ी बैलेंस हो रही है, आपकी बॉडी के सारे एसिड बैलेंस हो रहे हैं। आप अपने पैरों में बहुत ही सुंदर एक कपड़ा पहने हैं जो गोल्डन और येलो कलर का है, जैसे इंडिया में धोतियां पहनते हैं उस तरह का कोई कपड़ा है वो, जो औरतें हैं वो अपने आप को एक सुंदर से धोती जैसे कपड़े में देख सकती हैं। एंड गॉडेस के बहुत बड़े पर हैं, उनके जो फैदर्स हैं वो पूरे फैले हुए हैं और वो सारे गोल्डन कलर के हैं, बहुत ही ब्यूटीफुल गोल्डन कलर के हैं। जो मेल हैं उनके पास एक पटका है, एक शॉल है जो उनके शोल्डर पे है, वो भी येलो एंड गोल्डन कलर का है। और वो जब भी चाहें, अगर आपको कोई भी परेशानी है, आपको कोई भी प्रॉब्लम है, वो आपको अपने परों के अंदर, अपने फैदर्स के अंदर, अपने विंग्स के अंदर आपको सेव कर सकते हैं। और वो कह रही है आपसे कि मैं हमेशा आपके साथ हूं, जब भी आप चाहें मुझे बुला सकते हैं। एंड शी इज वेरी ब्यूटिफुल, उन्होंने एक बहुत ही सुंदर व्हाइट एंड गोल्डन रोब पहना हुआ है, उनकी येलो एंड गोल्डन ब्लाउज है जिसके ऊपर बहुत ही शिमरी, बहुत ही ब्यूटीफुल गोल्डन एंड पिंक स्टोल है, और उनके हाथ खुले हुए हैं और उनके विंग्स भी खुले हुए हैं, एंड उनके विंग्स से, उनकी पूरी बॉडी से गोल्डन लाइट आ रही है जो आपकी पूरी बॉडी में जा रही है। इस लाइट को आप महसूस कीजिए कि आपकी बॉडी की क्लेंजिंग हो रही है और आपकी स्पिरिचुअलिटी बढ़ रही है। फील द लाइट विच इज कमिंग फ्रॉम द विंग्स ऑफ गॉडेस आइसिस। आप बहुत ही हम्बली और ग्राउंडेड होकर के उनके इस ब्लेसिंग्स को लीजिए। अब आप अपने पीनियल ग्लैंड जो आपके सर के पीछे की साइड है, वहां पे गॉडेस आइसिस अपना हाथ रखती हैं और अपनी एनर्जी आपको पास कर रही हैं, आपको दे रही हैं। अब आप 3 times बहुत गहरी सांस लेंगे और छोड़ेंगे, जैसे कि आप इस एनर्जी को अपनी बॉडी में ले रहे हैं। ब्रीद इन एंड ब्रीद आउट, ब्रीद इन एंड ब्रीद आउट। उनके हाथ में से लाइट निकल रही है, बहुत ही सुंदर ब्यूटीफुल गोल्डन लाइट जो कि आपके स्पिरिचुअल लेवल को बढ़ा रही है, आपको पीस दे रही है, आपकी हीलिंग कर रही है, आपको प्रोटेक्शन दे रही है। ब्रीद इन एंड ब्रीद आउट। आप अपने दोनों हाथों को जोड़ के, जैसे हम नमस्ते करते हैं, इस लाइट को रिसीव करेंगे और आप देखेंगे कि जहां पे उन्होंने हाथ रखा है वहां पे बहुत ही सुंदर सूर्यमुखी जैसा एक फ्लावर है जो किसी को ग्रीन कलर में दिखेगा और किसी को येलो में दिखेगा और हो सकता है गोल्डन कलर में भी दिखे। जिस कलर का आप देख सकते हैं आप वो कलर देखिए। सी दिस गोल्डन फ्लावर, ब्यूटीफुल येलो गोल्डन फ्लावर, ग्रीन फ्लावर इज रोटेटिंग बिहाइंड योर हेड, जहां पे पीनियल ग्लैंड होता है, इसको रोटेट करने दीजिए। अपने मन में इस ब्लेसिंग के लिए थैंक यू बोलते रहिए। से थैंक यू ईच एंड एवरी मोमेंट टू गॉडेस आइसिस। अब वो अपने विंग्स फैला के आपके सामने ले आती हैं
और जब वो अपनी विंग्स फैला के सामने ले आती है तो आपको बहुत ठंडा महसूस होता है और आपकी बॉडी की सारी हीट निकल रही है और आपको ऐसा लग रहा है जैसे आपकी स्किन, आपका फेस, आपकी पूरी बॉडी चमक रही है। थोड़ी देर इसी पोजीशन में अपना ध्यान लगा के रखिए, यहां से आपका ध्यान नहीं हटना चाहिए। यहाँ पे आपका डीएनए एक्टिवेट होगा। अगर आपका कोई भी कनेक्शन इजिप्ट से रहा है तो वो डीएनए एक्टिवेशन आपका हो जाएगा। यहाँ पे यू कैन आस्क फॉर लव, यू कैन आस्क फॉर हीलिंग, यू कैन आस्क फॉर फर्टिलिटी इन योर मनी और एज बेबी और चाइल्ड। यू कैन आस्क फॉर एनीथिंग यू वॉन्ट, यू कैन आस्क मोर वाइटलिटी टू योर बॉडी। आप अपने जीवन में प्रेम, खुशी और भी ज्यादा लाइफ, पॉजिटिविटी अगर आपको चाहिए तो वो मांग सकते हैं, मदरहुड मांग सकते हैं, आप अपने बच्चों के लिए भी ब्लेसिंग्स मांग सकते हैं इस समय। शी इज रेडी टू राइट नाउ गिव एवरीथिंग यू वांट, शी इज टोटली विद अस, हमारे साथ वो अभी भी प्रेजेंट हैं। बहुत बड़ा रूप है उनका, हम लोग तो बहुत छोटे दिख रहे हैं उनके सामने। उनके बहुत सुंदर बाल है, अगर आपको कोई मैजिक करना है अपनी लाइफ में तो वो मैजिक भी उनसे मांग सकते हैं। और आपका चंद्र अगर वीक है या मून एनर्जी वीक है तो वो भी आप उनसे मांग सकते हैं कि मुझे मून एनर्जी से कनेक्ट कर दीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थोड़ी देर सिर्फ आप और गॉडेस आइसिस, आप दोनों ही एक दूसरे के साथ हैं। अभी गॉडेस आइसिस आपके राइट हैंड में अपना राइट हैंड रख के आपको टच करके वो कह रही हैं कि आई प्रॉमिस यू, व्हेन एवर यू वांट मी टू कम आई विल कम एंड प्रोटेक्ट यू एंड हील यू। जब भी आप मुझे बुलाएंगे मैं आपको प्रोटेक्ट करने के लिए, आपको हील करने के लिए आऊंगी, ये मेरा प्रॉमिस है आपसे। एंड आप भी उनको थैंक यू बोल रहे हैं। आप पूरी तरह से ओवरवेल्म्ड हैं, पूरी तरह से आपको समझ में नहीं आ रहा है कि इतना एनर्जी, इतना ब्यूटीफुल एनर्जी कहाँ से आ रहा है। आप सिर्फ उनकी तरफ उनको जाते हुए देख रहे हैं और आप बहुत ग्रेटफुल हैं कि उन्होंने आपको इतना प्यार और इतनी हीलिंग दी और आपको सुना और आपको समझा और आपको प्रोटेक्ट किया। ये प्रोटेक्शन, ये फीलिंग हमेशा आपके साथ रहेगी। अब वो आपके पिरामिड से बाहर जा चुके हैं, आप अभी भी पिरामिड में बैठे हैं। अब आप धीरे धीरे उस पिरामिड से बाहर आते हैं और आप सूर्य की तरफ देखते हैं, चंद्र की तरफ देखते हैं और आप जहां पे इस समय बैठे हैं आपका मन कह रहा है कि मैं अब वापस जाता हूं।
या मैं वापस जाती हूँ। और आप वापस अपनी इसी बॉडी में लौट आते हैं गॉडेस आइसिस के आशीर्वाद के साथ। आप अपने पैरों की उंगलियों को मूव कीजिए, हाथों की उंगलियों को मूव कीजिए। ब्रीद इन ब्रीद आउट कीजिए। जो लोगों को थोड़ी देर और बैठना है इसी मेडिटेशन में आप बैठ सकते हैं। जिनको चाहिए कि मुझे वापस आना है वो अपनी आंखें खोल सकते हैं। आप लोग 2 मिनट तक कोई भी बात नहीं करेगा। जिसको पानी पीना है वो पानी पी सकता है, थोड़ा वॉक करना चाहे तो वॉक कर सकते हैं। लेट ऑल द एनर्जी इंटीग्रेट इन योर बॉडी। कोई शेयर करना चाहेगा अपना एक्सपीरियंस? हाँ जी रोहित जी। मैम पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद मैम आपका। मैं बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था मैम। एकदम ऐसा लग रहा था जैसे बर्फ पड़ रही है, मतलब पीछे से ना हार्ट बैक हार्ट चक्र पे एकदम बर्फ जैसा ठंडा ठंडा, और बहुत सारी फीलिंग्स हुई मैम। ऐसा लगा मैम बहुत मदरली लव फील हो रहा था, बहुत मदरली लव, मतलब शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। इतना अच्छा लग रहा था, बहुत इमोशनल हो गया, बहुत अच्छा लगा मैम। बहुत कुछ मैं आपको बताऊं, इतने सारे मैं मेडिटेशंस कराती हूं, मैं किसी मेडिटेशन में पूरा टाइम आंख बंद करके नहीं बैठती। ये पहली बार मुझे ऐसे लगा कि आंख खोलना ही नहीं है मुझे भी। मतलब बाहर आने का भी मन नहीं कर रहा था। पहला मेडिटेशन जहाँ पे शायद आप लोग स्क्रीन पे देखोगे मेरी आंखें बंद है, नहीं तो मेरी आंखें इधर उधर चलती रहती है। मैं सबको देखती रहती हूँ किसका क्या चल रहा है, एनर्जी रीड करती रहती हूँ मैं। पर ये पहली बार ऐसा था कि मैंने अपनी आंखें नहीं खोली है। अच्छा था मैम, बहुत, मतलब शायद मैं एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगा। बहुत अच्छा था, बहुत ही अच्छा था, बहुत अच्छा लगा, अच्छा लगा। बहुत मदरली लव ऐसा फील नहीं होता मैम, मेडिटेशन में ऐसा फील नहीं होता। मदरली लव तो नहीं हुआ मेरे को, मतलब पहली बार ही मैंने। व्हाट इज मदर एनर्जी? हु कैन नरिश यू, हु कैन प्रोटेक्ट यू इज द मदर एनर्जी। यस मैम, यस मैम, यस मैम। मतलब ऐसे ही, मतलब ऐसे ही जैसे आप बता रहे हो ऐसे ही लगा कि भाई देयर इज समवन टू यू नो हु इज लुकिंग आफ्टर एवरी टाइम टू प्रोटेक्ट मी। और ये चीज मैं आपको बता दूं, ये वो मेडिटेशन नहीं था जो मुझे आपको कराना था, ये वो मेडिटेशन है जो अपने आप आया है आज। मतलब मैं ये मेडिटेशन ना कहीं सुना, मेरे को नहीं लगता आपको ये कहीं मिलेगा। आप चाहें तो यूट्यूब पे सर्च कर सकते हैं, पर इट वाज जस्ट हैपनिंग। मतलब मेरे को नहीं पता ये कहाँ से आ रहा था। इनफैक्ट आई वाज फीलिंग अ क्राउन ऑन माय हेड, मे बी ये मेरा कोई बर्थ रहा होगा इजिप्शियन में, मतलब इजिप्ट में, बट आई रियली डोंट नो वो था। नरेन जी हाउ यू फेल्ट? यू टू वर्क विद
हर एनर्जी। यस मैम, एक नया मुझे गाइडेंस मिला जो मैं